Assalamu alaikum, grade 1. Welcome to online classes of Rise in School. I am your English teacher, Saharish Nawaz. How are you all, students? I hope you all will be fine and safe. Today is our first lecture of week 9. In previous class, we read page number 48 of chapter Jan's Shop. Today, we will continue this chapter. First, we will recall. ही इज़ जैन जैन इज़ अ नेम ऑफ अ बॉय एंड इट इज़ हिज शॉप जैन शॉप इज़ स्मॉल बट ही सेल्स लॉट्स ऑफ थिंग्स बेटा आपको पिक्चर में नजर आ रहा है जो लड़का इसका नाम है जैन और ये जैन की शॉप है यानी जैन की दुकान है जैन की दुकान इस्मॉल है यानी छोटी है लेकिन जैन बहुत सी चीज़ों को सेल करता है एक दिन क्या होता है बेटा जैक गोज टू जेंस शॉप जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं जैक जेंस की जो शॉप में जाता है यानी उसकी दुकान में जाता है और जैन से कुछ सवाल करता है कि क्या तुम्हारे पास पैंस हैं क्या तुम्हारे पास निब्स हैं क्या तुम्हारे पास बुक्स हैं क्या तुम्हारे पास बैग्स हैं ये सब सवाल वो जैन से करता है आज हम कंटिन्यू करेंगे कि जैक ने और क्या क्या पूछा जैन से लेट्स स्टार्ट बट बिफोर स्टार्टिंग डियर स्टूडेंट्स प्लीज ओपन योर ऑक्सवर्ड रीडिंग सर्कल बुक इन फ्रंट ऑफ यू ओपिन अ पेज नंबर फोर्टी नाइन एंड पुट योर फिंगर ऑन एवरी वर्ड हैव यू गॉड एनी क्लॉक्स सीज जैक जैक जैन से पूछता है क्या तुम्हारे पास क्लॉक्स हैं क्लॉक्स यानी घड़िया येस सीज जैन आई हैव लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ क्लॉक्स जैन उसको जवाब देता है हाँ मेरे पास बहुत सारी बहुत सारी घड़ियाँ हैव यू गॉट एनी क्लिप्स सेज जैक फिर जैक उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास क्लिप्स हैं जैन लुक्स एट जैक जैन जैक की तरफ को देखता है यस आई हैव सेज जैन जैन जैक को कहता है कि हाँ मेरे पास हैं हैव गॉट एनी बटन्स सेज जैक फिर से एक जैन से पूछता है क्या तुम्हारे पास बटन्स हैं यस 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 सी इज़ जैन आई हैव लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ बटन वट डू यू वॉन्ट फिर जैन जैक से पूछता है कि हाँ मेरे पास बहुत सारे बहुत सारे बटन हैं तुम्हें क्या चाहिए व्हाट डू यू वांट वट डू आई वांट मुझे क्या चाहिए सी इज़ जैक बेटा आज हम लोग यहीं तक रीडिंग करेंगे इनशाला नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे नाव मूव फॉरवर्ड टू योर नोटबुक वर्क इन प्रीवियस क्लास वी डिड न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर टुडे वी विल डू वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर लेट्स स्टार्ट सबसे पहले तमाम बच्चे रेड लाइन के ऊपर होमवर्क और डेट लिखें उसके बाद स्केल की मदद से पेंसिल से लाइन लगाएं सेंटर में ब्लू कलर से हर डालें वर्ड्स मीनिंग स्टार्ट करते हैं चेस चेस मतलब पीछा करना फोलो रन आफ्टर चेक एग्जामिन मतलब जानचना चेक करना नथिंग मतलब कुछ भी नहीं नथिंग नील वी विल रीड इट अगेन चेज फोलो रन आफ्टर चेक एग्जामिन नंग नील बेटा आप लोगों ने ये वर्ड्स पेनिंग अपनी कॉपी में करनी है बहुत ही प्यारी राइटिंग में अब हम इनशाला नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अल्लाह हाफिज़